बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने जमान में रखे। अभी जो है सुबह सुबह जो है हमारी वो बन रही है भोर, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भोर बनना स्टार्ट हो जाइए। आज से जो है इंशाल्लाह शादी भी स्टार्ट है, तो मेरी अम्मी जी आई हुई हैं तो उनसे जो है भोर बनवा रहे हैं। भोर बनना शुरू हो गई, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से सूजी को जो है ना इस तरह से भुना जाता है, फिर इसमें जो भी मेवे वगैरह जो है देसी घी और ये वगैरह डाला जाता है, इस तरह से भून रही है। ये भी किसी किसी को तरीका आता है बनाने का भी। ये तो मुझे तरीका नहीं आता बनाने का ना, तो इसलिए नहीं तो हम भी बना लेते, तो इसलिए जो है अम्मी जी आई। अम्मी का इंतज़ार था कल, फ़ोन फ़ोन हमने किया, जल्दी निकले जल्दी निकले वहाँ से, तो बस निकलते करते शाम ही हो गई इनको और आपके सामने जो है रात को ही पहुँचे। फिर खाना खाते खुदे सामान सारा जो है चले गया दुल्हन का जहेज का, फिर वो कुछ आया रात को लेट हो गए, तो इसलिए जो है ना भोर रात को बन नहीं सकी। फिर इसलिए अभी सुबह जो उठे ना नाश्ते से पहले भोर बन लिए, बाद में जो है नाश्ता वगैरह बनाइए। अम्मी इधर से रोटी पकाती जा रही है और दुआ इधर देती जा रही है। तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया नाश्ता डेढ़ पकाते घंटा हो गया पकाते। नाश्ता बनाते हुए। अच्छा कल ऐसा करेंगे, पापे लेते आएंगे जी, सुबह सुबह का सुबह नाश्ता चाय जो है पापे। पापों से हो। ठीक है चाय पापे। नाश्ता वगैरह सबको करवा भी लिया और कर भी लिया, तो अभी जा रहे हैं हम शाहजमाल, जरा शहर जा रहे हैं, थोड़ा काम भी है। और ये के जो कि एयर रिंग्स होती है ना बालियाँ गोल्ड की, वो दुल्हन के लिए वो लेनी है, तो अब्बू जी और मैं शाम और जो के साथ में जो है दुल्हन जो है वो भी साथ जा रही है, तो ताकि उसकी भी पसंद कुछ हो जाएगी और छोटा मोटा सामान जो है वो भी लेना है। तो ये ब्रीफ केस जो है ना दूल्हा का हमने बिल्कुल रेडी किया हुआ है, ये भी आके देना है शाम, और मैं जाएंगे भोर भी बन गई है, भोर भी देंगे और जाके जो है ये भी देना है, बैग भी देना है उनको। हमें जो ये गोल्ड में ये बालियां जो है पसंद आ गई हैं और हमारी जो दुल्हन है उसे भी पसंद आई, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है, अल्लाह ताला पहनना नसीब करे। और साथ में जो है ये लॉन्ग भी लिए, जो कोका होता है ना ये वाला नाक वाला, ये भी लिए। और टॉप्स भी हैं वो घर में रखे हुए हैं, टॉप्स भी दे रहे हैं और ये बालियाँ और जो कि लॉन्ग है, तो ये पसंद जो है हमारी दुल्हन की और एहतशाम की पसंद की, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी पसंद है। तकरीबन 2 दिन हो गया जूस नहीं पिया, आज शहर की तरफ आए हुए थे, चलो दुआ को मैंने कहा कि जूस पिला लेते हैं, 2 दिन के बाद दुआ जूस पी रही है। 2 दिन हो गए और मैं जूस के लिए बहुत तरस रही थी। इधर हमारे रिश्तेदारों की शादी है, आए हुए हैं खाना खाने के लिए, अभी खाना खा रहे हैं, अजान भी साथ आया हुआ है, चिकन कोरमा बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अभी असद भाई और मैं जा रहे हैं थोड़ा सा स्टेज बनाने के लिए, इधर बने हुए हैं डंबल, एक भाई ने बनाए हुए थे लेकिन डंबल उनके टूट गए हैं, जो वर्जिश करने के लिए होते हैं वो लेके जाते हैं, वो स्टैंड बनाने के लिए काम आएंगे, उसके बीच में लकड़ी लगा के खड़ाएंगे ना उससे रुक जाएगी। ये है कि हमें ज़मीन में खड्डा वगैरह नहीं खोदना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ जो चीज़ हम लेने आए हुए हैं, ये अजान ने उठाए हुए हैं, ये डंबल जिसके इधर लकड़ी खड़ा देंगे ना अंदर ये खड़ जाएगी, एक ये उठाया अजान। वाह भाई वाह, अजान ये बॉडी बनाने के लिए अजान कह रहा है। इधर बोर चल रहा है प्लेट के ऊपर, इधर माशाल्लाह बहुत बड़ी तरक्कियाँ हो गई हैं, ये देखिए उधर प्लेटें लगी हुई हैं, प्लेटों के ऊपर ये मोटर चल रही है। अजान कपड़े खराब नहीं करने बेटे, एक ये असद भी उठा रहे हैं और एक मैं उठा रहा हूँ, दोनों लेकर जा रहे हैं।
पैंप लगे हुए ना, असल में ये स्लिप हो रहा है, आपका स्लिप हो रहा है। अजान को उठा के दे दी, अरे तू खुद उठा ले, देखो बच्चे को उठवा दिया, बड़ा जालिम बंदा है यार। ए कपड़े खराब हो जाएगा, अजान नीचे फेंको, नीचे फेंको, मामू उठाएंगे, नीचे रखो मामू उठाएंगे। चलो भाई चलो, देखो कपड़े भी खराब हो गए। असद भाई जी यार कार अपनी साइड पे कर लो, अच्छा स्टेज उधर बनाएंगे ना, कहाँ यहाँ पे बनाना है, चलो उधर ही बनाएंगे। चलो ये डंबल हम ले आए हैं, इधर हम लकड़ी खड़ी करेंगे। ये देखो उधर लगा दो, इधर तो सामने। वैसे स्टेज इधर सही लगेगी? हाँ ये सामने फ्रंट पे सही है। चलो इस जगह पे स्टेज बना रहे हैं, इस शाम हो जाएगी, गाड़ी खड़ी हो जाएगी यहाँ पे। चलो फिर लग जाओ, काम शुरू करो। करें हैं ये देखें, इधर देखें, ऐसा करते हैं, वो लकड़ी है ना, हाँ झुंझुन की लकड़ी है, हाँ वो सही है, वो मोटी भी है, लंबी ना? लंबी निकाल लंबी लेते है, हैं। हाँ शर्मद ऊपर चढ़ो यार, लकड़ी निकालो, ऊपर चढ़ो लकड़ी निकालो। चलो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, स्पीड मारनी है। वो मेरे बच्चे गए हैं उधर मिलाद पे, उनको भी आपको लेने जाना है, मेरे को लेके लेने जाना उनको, फिर उन्होंने यहाँ पे आना तैयार हो गया। तो यहाँ सेटिंग होने स्टार्ट हो गई है, जो कि स्टेज के लिए माइयों का फंक्शन आज ही, जैसा कि आपको पता है, तो स्टेज वगैरह बनना जो है शुरू हो गया। तो असद भाई हेल्प करवा रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम जानते हैं ना भाई जान, इसलिए तो काम जानते ही हैं और क्या, सब कुछ आपको पता है। माशाल्लाह जिस दिन मेरे गोद भराई की रस्म में भी एहतमाम की, और मेरे भाई के भाई ने जो है ना हेल्प करवाई थी, तो इसलिए अच्छा बना था वो भी स्टेज। तो आज ये भी इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, और कल जो होगा वो दूसरा होगा, न्यू होगा ऐसे, कल दूसरा होगा, परसों इंशाल्लाह दूसरा होगा, वो सारे आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। और ये जब पूरा फाइनल तैयार हो जाएगा ना, तो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और आप सबने फिर बताना है कि कैसा बन रहा है। तो इनकी जो भी मेहनत होगी ना, मैं वो फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, जब ये पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता है ना, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। लग तो बहुत जबरदस्त रहा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जोरों शोर से जो है तैयारी हो रही है सबकी, अभी जो मेहमान वगैरह आए हुए हैं वो भी अपनी तैयारी वगैरह कर रहे हैं। हमने अपने घर का काम वगैरह निपटाना था, वो निपटा लिया है। तो अम्मी जी जो है अभी वो जो कि गाय भैंसों के लिए ना चारा डाल रही है, ताकि इनको जो है इनका खिलाना पिलाना का ये भी सोचना है, यानी कि हम फिर अपने फंक्शन में मसरूफ हो जाएं और गाय भैंसे जो है ना वो भूखी रहें फिर, इनके क्योंकि इनके टाइम से दूध की चुवाई वगैरह भी होती है ना, इस वजह से। तो अभी अम्मी चारा वगैरह डाल रही हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कि स्टेज बना रहे थे शाम भी और मेरे भाईजान, तो उन्होंने स्टेज किस तरह से बनाया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आप सबने कमेंट करके बताना है, हमारा स्टेज तो जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है, और जो कि फंक्शन वगैरह होगा वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर सकूंगी, क्योंकि जो है ये वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और फंक्शन को थोड़ा सा जो है टाइम भी लग जाएगा, लेट हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ सारा जो है ना इंशाल्लाह वो पूरा शेयर करेंगे। अभी तैयारी वगैरह करते हैं, और सब मेहमान वगैरह जो है आना शुरू हो गए, जो कि आस पड़ोस के जो इधर उधर के हैं वो भी आना शुरू हो गए। अभी मेरी तैयारी नहीं, मेरे बस भी घर के काम काज में भी लगे हुए थे, अम्मी जी और मैंने घर का काम जो है वो समेटा, लड़कियों की जो है होती है वो तैयारी होती है, तो सब लड़कियां वगैरह तैयार हो रही हैं, और अब मैं जाती हूँ, मैं भी तैयार होती हूँ। वो अगली नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, उसमें मैं अपनी तैयारी दिखाऊंगी, कि जो कि माइयों के फंक्शन की तैयारी है। तो अभी आज हमारा जो फंक्शन के लिए जो माइयों का फंक्शन के लिए जो स्टेज बनाया ना, वो कैसा लगा है आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह तीनों दिन जो है स्टेज चेंज होगा। और बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आप सबको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आप सबके कमेंट का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, सबके इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, सब दुआएं दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबके आप सबकी दुआओं से जो है मेरी नंद के नसीब अच्छे करें, आमीन सुब आमीन। और जो मेरी प्यारी बहनें देख रही हैं उनके भी अल्लाह पाक नसीब अच्छे करें। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर जो है तैयारियाँ ज़ोरों शोर से हो रही हैं, मैं कमरे में जी आयरा के भी दिखाती हूँ, और अभी अजान जो है, अजान आप फ्रेश हो जाए बेटा अजान, तो आयरा की तैयारी देखेंगी माशाल्लाह से। तो ये सोहा तैयार कर रही है आयरा को, फिर बाद में सोहा तैयार होगी ऐसे, फिर हाँ जी, हाँ जी, मैं और अभी सोहा तैयार होना है, और बाकी सब और आप और मैं रहती हूँ जी बस, और बाकी सब तैयार हो गए, और अजान भी तो रहता है।
अजान भी कर रहे थे। अजान आप जाके फ्रेश हो जाओ, आपके कपड़े इस्त्री कर दिए फूफो ने, आप फ्रेश हो फिर कपड़े चेंज करो।